चौथे चरण में भी इस समय तक इतना प्रतिशत मतदान हो चुका था और 60% जो है ओवरऑल हमने परसेंट देखा था। आज भी ऐसी उम्मीद है कि अच्छा खासा वोटिंग परसेंट हमें देखने के लिए मिले। अनुराग मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, 8% तक वोटिंग हो चुकी है, फिलहाल तस्वीर कैसी है? 9 बजे तक गोंडा में 8.37% की मतदान हो चुका है और यहाँ पर लोगों में उत्साह दिख रहा है। लोग अपने घरों से सुबह सुबह लगे निकल चुके हैं और लगा जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, तो लोगों में उत्साह दिख रहा है कि जिस तरीके से लोग पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे, इसको लेकर लोग सड़कों पर है। हमारे साथ एक युवा मतदाता है, इसे जानेंगे किस तरीके से ये वोट डाल रही है, पहली बार ये वोट डाल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुभूति है। हाँ, पहली बार वोट डालने आ रही, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हर किसी को वोट देना चाहिए क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिससे भारत के हर नागरिक को समानता मिलती है, इसलिए हर एक आदमी को आके वोट देना चाहिए। क्या समस्या है आपको? पहली बार वोट कर रही है, लड़की है, कांग्रेस ने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बीजेपी कहती है कि महिलाओं के लिए लगातार सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा की सरकार में लड़कियों पर अत्याचार हुआ है, तो जरा इनसे समझिए और जानने की कोशिश करें क्योंकि युवा हैं और यही प्रदेश का भविष्य भी है। जी, ये बताइए कि जैसे आप युवा हैं और लड़की हूँ कांग्रेस जैसे लेके आई, लड़की हूँ लड़ सकते हो के नारा दे रही है, अब महिलाएं जैसे योगी सरकार भी कह रही है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है, क्या लग रहा है आपको, कितनी सुरक्षा आप महिलाओं को मिल पाई है इस बार? देखिए, इस चीज का सही ज्ञान मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि अगर पिछले 5 साल की बात करें तो मैं उस एज में नहीं थी कि मैं ये चीज़ें समझ सकूँ, बट अब मुझे मौका मिला है तो मैं वोट दूंगी और फिर मैं एक्सेस कर सकती हूँ कि क्या जो पहले था उससे क्या बेहतर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या अहम मुद्दे आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में आप किस मुद्दों को लेकर वोट डालने जा रही हैं? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट का इशू है, जैसे कि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, हमारे पास मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो जो पॉपुलेशन है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। बात ये नहीं है कि कितनी जनता है, बात ये अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कौन सी सरकार अपने ह्यूमन रिसोर्स को सबसे अच्छे से यूज कर सकती है उनको वोट देना चाहिए। जैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कह रही है कि जिस तरीके से इनका जो मेन ध्येय है कि जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है यूपी के, इन सब मुद्दों को लेकर वो अपना वोट डालने आई है और पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने अपना मतदान किया है। बिल्कुल, और पहली बार मतदान कर रही है, युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अनुराग, इससे ये समझा जा सकता है लड़कियां भी बाहर निकल रही हैं वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल, साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से लोग अपने मतदान को लेकर, जिस तरीके सरकार ने दावा किया था कि ज्यादा लोग मतदान करें, ऐसे में लोग एक उत्साह है लोगों में इस बार मतदान को लेकर, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, 80 साल 92 साल के बुजुर्ग भी आ रहे हैं मतदान बूथों पर, उनके लिए प्रशासन ने दावा किया कि ट्राई साइकिल और सुविधाएं उनको दी जा रही, तो इस वजह से लोगों में उत्साह है और मतदान करने के लिए लोग जिस तरीके से प्रतिशत अब तक 9 बजे तक लगभग 9% का मतदान गोंडा में हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में उत्साह है और जो ये लोकतंत्र का पर्व है, इस लोकतंत्र के पर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी अनुराग, कांटे की टक्कर किसके बीच है? गोंडा सदर सीट तो भाजपा और सपा ही नजर आ रही है, क्या गोंडा में भी ऐसा ही है? जी, हम बता दें दर्शकों की गोंडा जो सदर सीट है यहाँ पर सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के सूरज सिंह और बीजेपी के जो प्रतीक भूषण सर सिंह के सीधी लड़ाई है। साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर और बसपा और कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, तो यहाँ पर सीधी लड़ाई समाजवादी व बीजेपी के बीच में। वहीं हम कर्नलगंज सीट पे बात करें जहाँ पर पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह वहां पर प्रत्याशी हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी बीजेपी से अजय सिंह है, उनके बीच सीधी टक्कर है। ऐसे ही कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री है मनकापुर विधानसभा सीट से जो आरक्षित है, वो उनकी उस सीट पर भाजपा वर्सेज समाजवादी पार्टी से रमेश गौतम है, उनके बीच में लड़ाई है। ऐसे ही गौरा सीट पे बात करें जो मौजूदा विधायक है प्रभात वर्मा, वो चुनाव मैदान में है, उनसे उनकी सीधी लड़ाई जो एक सबसे चौंकाने वाली बात है तो वहां पर सीधी लड़ाई कांग्रेस से हो रही है। तो गोंडा भी एक लौती सीट है जहां पर कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाते हुए लड़ रही है और वहां पर सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। तो गौरा में बिल्कुल अनुराग, और गोंडा से ये भी जानकारी मिली थी कि मनकापुर सीट से प्रत्याशी है रमापति शास्त्री, वो सुबह ही वोट डाल चुके हैं, लोगों से भी अपील कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले और मतदान करें।
तरपन सीट के विश्नोहर में उन्होंने वोट डाला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, हम बताते हैं दर्शकों को कि रमापत शास्त्री जो मनकापुर आरक्षित सीट से मौजूदा भाजपा के प्रत्याशी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने सुबह 7 बजे का समय था, वो 7:15 बजे के आसपास बिजनौरपुर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं। उन्होंने मतदान किया है और लोगों से अपील की है कि मतदान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। लोगों की एक भूमिका जो लोकतंत्र के पर्व में है, लोग अपने पर्व में ये महत्वपूर्ण योगदान दें और जिस तरीके से लोगों में एक उत्साह रहे। जी ठीक है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें अनुराग, तो इन पांचवें चरण में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको टिकट मिला है जो बागी होने के साथ साथ दागी भी हैं, तो इसका असर आम जनता पर कितना पड़ता है? जी बिल्कुल, हम बताते हैं जिस तरह से चुनाव है और इस चुनाव में लोग अपने अपने पार्टियों से टिकट के लिए जब आवेदन कर रहे थे, जैसे आपका कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र है, वहां से भाजपा से टिकट मांग रहे थे विनोद शुक्ला जी, उनको टिकट नहीं मिला, वो उन्होंने बागी होकर बसपा का दामन थामा और बसपा से चुनाव मैदान में जो रनमाइज कर। ऐसे ही गौरा विधानसभा सीट की बात करें, राम प्रताप सिंह जो मौजूदा सरकार, मतलब वो सपा से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो वो कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। तो जो भी है, ऐसे बागी लोग जो चुनाव में है जो वो कुछ खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत उनको कुछ मिल नहीं रहा है। जी चलिए ठीक है, आप लोगों का मैं रुख करूं, उसके बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सिराथू से प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के, ऐसे में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं कि सेफई से साइकिल उड़ी थी और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ये जो बयान है केशव प्रसाद मौर्य का सामने आया, इस तरह के पल पल के जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए अगर पांचवें चरण की हम बात करें तो प्रयागराज हो, अयोध्या हो, अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, चित्रकूट हो, गोंडा हो, बहराइच हो, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी, ये वो जिले हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। 692 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, अयोध्या में संतों ने कितने प्रतिशत वोट डाल दिया है, संतों की कितनी भीड़ नजर आ रही है? बिल्कुल साफ तौर पर जिस समय सुबह सुबह हम आए थे यहाँ पर काफी संख्या में संत यहाँ उपस्थित थे, अभी भी कुछ लोग संत जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, अपना मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ही उनका नंबर आएगा वो अपना मतदान करेंगे और मतदान करके दोबारा अपने पूजा पाठ में जाकर के लगेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट मिल रहा है मानशु अयोध्या से? अयोध्या से अपडेट जैसे कि गंगा जमुना तेजी लगातार देखने को मिली थी, इस बार भी गंगा जमुना तेजी अयोध्या में देखने को मिल रही है, मतदाता भी काफी जागरूकता है। लेकिन अगर मतदाताओं की बात करें तो वहीं बड़ी संख्या में मतदाता तो निकल कर आ रहा है, लेकिन युवाओं को जो यहाँ पर अयोध्या विधानसभा में कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है, क्योंकि जितने भी मतदाता मतदान करने आ रहे सब एक अच्छी उम्र के लोग ही मतदान करने आ रहे, लेकिन युवाओं का जोश यहाँ पे मतदाताओं में कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा। देखने वाली बात होगी जैसे मतलब अयोध्या में युवाओं का जोश उतना हाई नहीं है, क्या वजह है हिमांशु, क्या वजह है? क्योंकि इक्का दुक्का तो यहाँ पर युवा पहुंच ही रहे होंगे, आपने जानने की कोशिश की कि आखिर युवाओं की संख्या कम क्यों है, क्योंकि बुजुर्ग मतदाता ज्यादा नजर आ रहे हैं अयोध्या में। बिल्कुल साफ तौर पर हो सकता है युवा समय देर से सो के उठने वाला युवा है, इस चक्कर में हो सकता है देर से सो के उठेगा इसलिए युवा देर हो सकती है, लेकिन अगर बुजुर्ग मतदाता की या बड़ी उम्र के मतदाता की बात की जाए तो लगातार सुबह से ही अपना मतदान करने आ रहे हैं। हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी संख्या में मतदाता लगातार मतदान कर रहे हैं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं मतलब बुजुर्ग महिला भी मतदान करके अपना वोट करके निकल के आ रही और लगातार भारी संख्या में मतदाता अपने मतदान के लिए लगातार जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं युवाओं को जोश कहीं ना कहीं अयोध्या में कम देखने को मिल रहा होगा, देखने वाली बात होगी ढाई घंटे लगभग चुनाव को बीत चुके मतदान चलते हुए, अब देखने वाली बात हो सकता है ढाई घंटे बाद युवाओं को जोश बढ़ेगा और युवा अपने मतदान करने के लिए निकलेगा वापस। बिल्कुल, इसके अलावा ये भी अपडेट मिल रहा है, जरा अपने दर्शकों को बता दूं, प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी ने वोट डाला है। प्रयागराज में भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया और कहती हैं कि सरकार हमारी ही बनेगी, हम 300 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं। देखिए उम्मीद शब्द आज जोड़ा गया है, अगर वैसे हम देखें तो अब से पहले जब से ये मतदान शुरू नहीं हुए थे उससे पहले जब चुनावी शोर बहुत तेज था तब लगातार जो भाजपा के बड़े नेता हैं जो बड़े चेहरे हैं लगातार ये नारा दे रहे थे कि 300 से ज्यादा सीटें जो है भाजपा जीतने जा रही है। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज तस्वीरें सामने आ रही हैं, कह रहे हैं कि
सीटों से ज्यादा जीतने की उम्मीद है, अब उम्मीद है, यानी कि भाजपा भांप चुकी है कि कांटे की टक्कर है। क्यों अयोध्या से हिमांशु, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल साफ तौर पर, बिल्कुल यहाँ पे भी पूर्व में तो ये भाजपा का गढ़ माना गया, लेकिन 2012 में सपा के विधायक ने जीत हासिल करके एक बार फिर सपा समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था। वही 2017 में एक बार फिर योगी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम जीत कर हासिल किया। अब देखने वाली बात होगी 2022 के विधानसभा चुनाव पर सभी प्रत्याशी ने राम मंदिर में आशीर्वाद लेकर के अपना अपना विजय रथ यात्रा हो या अपना अपना मतदान हो या अपनी अपनी जनता के बीच में जाके मतदान मांगने के लिए हो, अपना अभिवादन लेने के लिए हो। अब देखने वाली बात होगी 10 मार्च को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद किसको मिलता है और कौन लखनऊ की विधानसभा में जाकर बैठेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। 10 मार्च को ही पता चलेगा किसके सर पे अयोध्या के विधानसभा का ताज जो होगा, जो विधायक का ताज होगा वो चढ़ेगा। चलिए ठीक है, एक और जानकारी मिल रही है अमेठी से, क्योंकि अमेठी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो हो जाती है सीट। अमेठी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार है डॉक्टर संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता ने वोट डाल दिया है और उनका कहना है कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, जो बसपा और कांग्रेस का आश्रय है वही सपा का भी होगा। प्रियंका गांधी को गलतफहमी है कि वो महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। अखिलेश यादव को गलतफहमी है कि वो चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुबह से रात तक सोती रहती है, ये आरोप लगाए हैं, और उनके पति गायत्री प्रजापति को जनता जेल से नहीं छुड़ा सकती है। तो ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो आज भी मतदान वाले दिन भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। अनुराग गोंडा से आप मेरे साथ लगातार बने हुए, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ गोंडा में जो आम जनता है वो काफी संख्या में निकली हुई है, बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है आपके पीछे। वो सांसद मैदान में है और साफ तौर पर देख सकते तस्वीरें हमारे पीछे कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग अपने मतदान उपयोग करने के लिए पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं और लोगों में गुस्सा है, उत्साह को देखते हुए लोग अपना वो मतदान कर रहे हैं। और जैसा कि लोगों में एक जागरूकता आई है कि लोग पहले अब मतदान करेंगे और मतदान के बाद ही जलपान करेंगे। जी बिल्कुल, और वो जागरूकता का असर गोंडा में तो अनुराग साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जहां जहां से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम बनी हुई है वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो गोंडा में ही देखने के लिए मिले। चलिए ठीक है,